देखो, सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो, या हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो, कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है ये विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा, ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा, प्रयास किया था ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। पर अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे तो भाग जाते हैं, फिर परमार्थ में थोड़ी चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना, तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, तो बोलो क्या हमसे ज़्यादा परेशानी होगी, दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ, अगर वहां सब्जी मिलती तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि वो पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है, अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती। नहीं, मरना है पर कदम पीछे, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना में ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, नहीं वो सेवा नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, तुम कष्ट में हो, ऐसे उनकी दृष्टि परेशान थे, उनकी सेवा की, आके लेट गए, फिर हिम्मत की, अपनी श्री जी की सेवा की, मधुकरी नहीं गए, तीन तीन चार चार दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी, और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया।